हेलो जी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल T20। तो वीमेंस क्रिकेट टीम अभी चल रहा था, कल जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमारी टीम इंडिया ने पहले अच्छा खासा पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, वेस्ट इंडीज को, श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल में पहुँची। लेकिन क्या हो गया आपकी जानकारी के लिए बता दें तो कल ये मुकाबला 31 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा था। तो आपको बता दें कि 31 मुकाबले में टीम इंडिया मात्र 7 बार जीती है और 23 बार कल मिला के 23 बार उन लोगों ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो चलो कल का हाल चाल का मैच के ऊपर बवाल सुनाते हैं। तो मैच जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट के जब टॉस हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीता और उन्होंने कहा हम तो बल्लेबाजी करेंगे। तो पहले उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए आए एलिसा हिली और पैट मुनी। उसके ओपनिंग करते हुए जब आए एलिसा हिली और पैट मुनी तो शानदार 40 रन की पारी खेल रही थी, स्टार्टअप भी शानदार कर ली थी। तो जब पहले विकेट गिरा एलिसा हिली के 25 रन बना के चलते बनी और राधा यादव ने क्या बॉल्ड मारा ऐसा कि आधा कर दिया उन लोगों को। तो उसके बाद तो फिर मैग लिनी आई पैट मुनी का साथ देने के लिए और उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी करने लगे। तब दूसरा विकेट गिरा पैट मुनी का, 54 रन बना के चलती रही, क्या शानदार बल्लेबाजी की और क्या शानदार उन्होंने अपने लक्ष्य पर पहुँचा दिया। 172 रनों की पारी उन लोगों ने बना दी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उसके बाद तो हमारे इंडियन ओपनिंग करते हुए आए शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना, उन्होंने कुछ खास तो कमाल दिखाई नहीं पाए भाई साहब। 9 रन बना के शिफाली वर्मा चलते बने और स्मृति मंदाना मात्र 2 रन। हम लोग तो विकेट जब अस्तिका भाटिया का गिरा तो उन्होंने सोचा कि मैच देखना छोड़ दें क्योंकि अब तो नैया कोई पारी नहीं कर सकता। उसके बाद तो जयमीमा और हरमनप्रीत कौर ने कुछ उम्मीद पर बरकरार रखा, वहाँ लक्ष्य पर पहुँचा तो नहीं सके, नहीं 6-7 रनों से हम लोग हार चुके थे। तो हमारे 167 रन बनाए और उन्होंने 172 बनाए थे, तो इसी के साथ हम लोग हार चुके थे। मैं 1 तारीख से फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोग धोने के लिए तैयार है टेस्ट सीरीज के लिए। क्यों मिलते हैं कल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहिए।